हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ सब बच्चे होंगे तो दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है अभी करंट वैकेंसीज़ क्या क्या चल रही हैं बहुत वैकेंसीज अभी आ रही हैं यूरोप की भी आ रही है शनिगन की भी आ रही है ठीक है जैसे सर्बिया हो गया रोमानिया हो गया अभी और क्रोशिया की भी आएगी तो ये चैनल्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए आप शेयर भी कीजिएगा आपके काम की नहीं है आपके फ्रेंड्स के काम आ सकती है किसी के भी काम आ सकती है ठीक है तो चलिए बात करते हैं अभी करंटली हमारे पास क्या चल रहा है तो आ, अभी देखिए तीन चार कंट्रीज़ का अभी चल रहा है तीन मेनली सर्बिया रोमानिया ठीक है सर्बिया है यूरोपियन यूनियन में रोमानिया है शैनिगन में अभी अभी एंटर हुआ है मतलब अट्ठाईस देशों का ग्रुप होता है अट्ठाईस उनतीस देशों में एंटर हो चुके हैं तो वो उसका पार्ट बन चुका है वो फ्री मूवमेंट होती है अगर एक कंट्री का वीज़ा होता है आपके पास तो अट्ठाईस उनतीस कंट्रीज़ में आप जा सकते हो उसको शहनगन मूवमेंट कहते हैं ठीक है थर्ड तो दुबई का सिक्योरिटी गार्ड का तीन तारीख़ को चंडीगढ़ में इंटरव्यू है वो भी डिफरेंट क्यों है क्योंकि वो उसमें आ, मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ पहले चलिए बात करते हैं पहले वन बाय वन करके कौन सी कैटेगरीज़ हैं चलिए पहले दुबई ही डिस्कस कर लेते हैं तीन तारीख को जो इंटरव्यू है उसमें हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए इक्कीस से पैंतीस साल उम्र पाँच फुट छः से सात इंच के बीच में वन हाइट चाहिए मतलब अप्रॉक्सीमेट लगा के चलिए वन सिक्सटी एट सेंटीमीटर ठीक है इतनी हाइट चाहिए अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है बेसिक से थोड़ा ऊपर का पहले हम जो इंटरव्यू लेते थे सिक्योरिटी गार्ड के लिए वो बहुत हाइयर हायर इंग्लिश होती थी अब वो नहीं है अब थोड़ा लोअर लेवल का इंग्लिश भी चलेगा ठीक है लोअर लेवल मीन्स की बहुत हाइयर और मीडियम लेवल का इंग्लिश चलेगा तो उसमें सैलरी 1920 मतलब 43,000 सैलरी है रहना मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का होगा खाना आपका अपना होगा उसमें अगर आप जाना चाहते हैं ये भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है सेकंड सर्बिया सर्बिया में हमें बहुत कैटेगरीज चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज नंबर वन हैवी ड्राइवर्स जिसके पास इंडिया का लाइसेंस है या कोई भी गल्फ का लाइसेंस कोई भी लाइसेंस है हैवी वो जा सकता है गाड़ी चलाना अच्छे से आना चाहिए ट्रेड टेस्ट करेंगे हम जिसका सही होगा वो जाएगा ठीक है सैलरी सात सौ साढ़े सात सौ आठ सौ इस रेंज की है बेसिक यूरो तो आप इसको नाइन्टी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेसिक सैलरी का प्लस फ्री फूड फ्री अकोमोडेशन ये चीज़ समझिएगा फ्री फूड फ्री अकोमोडेशन मैं आपको डिटेल्स बेसिक देता हूँ हैवी ट्रक ड्राइवर की सैलरी है सात सौ ये रोड कंस्ट्रक्शन में जो है वो काम होगा ठीक है तो इसमें बेसिक इंग्लिश आना जरूरी है क्योंकि इंग्लिश में आपने वहाँ बात करनी है मोटर ग्रेडर ऑपरेटर बैको लोडर लोडर ऑपरेटर ठीक है जेसीबी वाला भी चा, चाहिए इसमें एक तो 750 यूरो सैलरी रहेगा ठीक है ये कैटेगरी है इसके अलावा कारपेंटर शटरिंग कारपेंटर एंड स्टील फिक्सर वो भी चाहिए पांच सौ बेसिक उनका भी है प्लस फ्री फूड फ्री अकोमोडेशन ओवर टाइम आई एक अगर आप एक लेबर भी लेके चलते हैं स्टील फिक्सर का काम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है वो एज ए जनरल लेबर ही होता है ठीक है तो उसमें आप हम भी जनरल वर्कर को स्टील फिक्सर में करके हमने भेजा है बहुत देशों में पंद्रह बीस दिन महीने की ट्रेनिंग करवा के तो उसके बाद जैसे ही जैसे 500 सैलरी होती है तो उसका मतलब 45,000 के थाउजेंड अप्रॉक्सीमेट बेसिक है प्लस ओवर टाइम में रहना खाना फ्री है तो एक जनरल वर्कर को भी अगर 50, 60, 70,000 बनता है तो ये काफ़ी सही है इंडिया से तो बहुत बेटर है बाकी तो देखो लोगों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती लाखों की सैलरी हो चाहे हजारों में हो जिसने सेटिस्फाई होना है हो हज़ारों में हो जाता है जिसने सेटिस्फाई नहीं होना है उसको चाहे करोड़ों की सैलरी मिले ठीक है ये कैटेगरीज थी इसके बाद अब बात करते हैं रोमानिया की अब रोमानिया का कैसे है रोमानिया का हमें चाहिए मशीन ऑपरेटर्स देखिए प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी है जो प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग टाइप का बनाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ तो वो कंपनी है उसमें हमें जनरल वर्कर्स चाहिए ठीक है मतलब उनको जनरल वर्कर्स भी नहीं कह सकते आप वो कैटेगरी इतनी स्किल्ड नहीं है ठीक है सेमी स्किल्ड कैटेगरी आप कह सकते हैं क्योंकि मशीन ऑपरेट करना है बट उसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है वो है ये एक जनरल कैटेगरी की मतलब उसकी कोई अलग से पढ़ाई नहीं आ, हो रही है कि उसके एजुकेशन से इलेक्ट्रिशियन की अलग से पढ़ाई होती है मकैनिक्स की अलग से पढ़ाई होती है उस टाइप का नहीं है बट ये है कि ये सेमी स्किल्ड टाइप का है तो इसमें अगर आप को लगता है कि आप वो मशीन जो होता है जो मशीन को ऑपरेट करना आपको आता है पूरा तो आप बिल्कुल जा सकते हैं सैलरी रहेगी सेवन हंड्रेड यू एस डी ठीक है सेवन हंड्रेड यू एस डी ये याद रखना थोड़ा सा पाँच छः रुपये का फ़र्क है यू एस डी और यूरो में इसके बाद उसी 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 कंपनी में साथ में उन्हीं मशीन्स को जो प्लास्टिक बैग बनाती है उनके मैकेनिक्स भी चाहिए 830 बेसिक है अब रहना ठीक है रहना खाना मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन ये सब कंपनी प्रोवाइड करवाएगी ठीक है और नौ घंटे पर डे काम है दो साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ठीक है और आ, सबसे बड़ी बात पाँच दिन एक हफ्ते में काम है दो दिन हफ्ते में छुट्टी होगी जो कि बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव चीज़ है पॉजिटिव क्यों है इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि बाकी बेसिक सैलरी जो होती है वो छब्बीस दिन आठ से नौ घंटे की होती है ये लगा के चलिए अब इक्कीस से बाईस दिन होगा तो ये भी प्लस पॉइंट है जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो आपका एज़ पर द लेबर लॉ अलग से मिलेगा तो देखिए ऐसी वैकेंसीज अभी आ रही हैं तो अगर आपको लगता है कि इन वैकेंसीज़ में आपका जाने का हो सकता है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं और देखिए जो जनरल वर्कर हैं उनको मैं एक राय देना चाहूँगा आप स्टील फिक्सर की ट्रेनिंग ले लीजिए स्टील फिक्सर का काम बहुत इजी होता है ठीक है एक महीने में आप बेसिक सीख जाएंगे उसके बाद आप स्टील फिक्सर का काम करना शुरू कर दीजिए जिसने बाहर जाना है क्योंकि बाहर आप चाहे यूरोप ले लो चाहे जो मर्जी देश ले लो स्टील फिक्सर का काम आप जल्दी सीख भी लोगे और बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं होता है ठीक है अगर हमारे थ्रू ट्रेनिंग लेनी है ठीक है तो हम हम भी ट्राई कर सकते हैं मिनिमम दस बीस लोगों का बैच अगर हो तब फिर हम भी ट्राई कर सकते हैं ठीक है चेन्नई में हमारा सेंटर है वहाँ पे हम रहना खाना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं ठीक है तो उसके बाद जब भी स्टील फिक्सर काम आएगा तो आपको वहाँ पर हम जो है उस जॉब के लिए कर सकते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ मैं कुछ प्लान बनाता हूँ इस तरह से कि, कि मैं एक ट्रेनिंग का सेशन जो है हम महीने का ट्रेनिंग या पंद्रह दिन का ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग जिसमें कि आप सीख जाओ स्किल आपके हाथ में आ जाए स्किल अगर आपके हाथ में आ गई तो इट मीन्स कि आपको आगे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी स्किल आपके हाथ में आ गई आपने सीख लिया फिर आप प्रैक्टिकली करोगे उसको अच्छे से प्रैक्टिकली करते रहो जब कोई बाहर की वैकेंसी आएगी तो बाहर फिर उस वैकेंसी के लिए आप हमारे थ्रू या कहीं से भी जा सकते हैं तो ये अभी करंटली मैं सोच रहा हूँ कि ये भी अच्छा रहेगा क्योंकि कारपेंटर अगर आप करते हो या इलेक्ट्रिशियन करते हो उसके लिए इजी नहीं है फिनिशिंग कारपेंटर तो बिल्कुल इजी नहीं है इलेक्ट्रिशियन बिल्कुल इजी नहीं है स्टील फिक्सरी की एक ऐसी कैटेगरी है कि जो जनरल वर्कर को थोड़ा ऊपर की कैटेगरी पे लेके जाती है जिससे कि थोड़ी सी सैलरी उसकी बढ़ जाती है और जनरल वर्कर कंपनी नहीं कम लेती है बट स्टील फिक्सर ऑल ओवर आप कहीं भी देख लीजिएगा हर जगह स्टील फिक्सर जो है वो कंपनीज लेती हैं तो अगर आपको लगता है कि आप इस हिसाब से करना चाहते हैं तो इस हिसाब से भी हम जो है वो ट्राई करेंगे बट उसके लिए आप कमेंट कीजिए जी हाँ आप स्टील फिक्सर की ट्रेनिंग करवाइए और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए दस बीस बीस, बीस पच्चीस लोगों का ग्रुप होगा तो मैं सेंटर से बात करूँगा क्योंकि हमें फिर एक स्टील फिक्सर का इंस्ट्रक्टर हायर करना पड़ता है और पूरा वहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम उसमें ट्राई करते हैं तो ये सारा वैकेंसी भी चल रही है बहुत वैकेंसीज और भी आएंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू